देवास जिले के बागली में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम शासन ने स्थानीय मंडी प्रांगण पर आयोजित किया गया, जिसमें शासन के सभी अधिकारी, कर्मचारी और आम जनमानस उपस्थित थे। स्थानीय मंडी प्रांगण पर योग शिक्षिका शीला राठौर ने सभी को योग करवाया। इसी के साथ गांधी चौक पर पतंजलि योग समिति द्वारा भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कीर्ति पंचोली द्वारा योग करवाया गया। कार्यक्रम में आम जनमानस के साथ ही मुस्लिम भाइयों ने भी शिरकत कर योगिक क्रियाओं में भाग लिया। कार्यक्रम में योग करने के लिए छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। जी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जाता है और यहाँ सम्मानीय एसडीएम महोदय जी के निर्देश अनुसार संपन्न कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ है और शासकीय पूरे कर्मचारी और पूरे नगर की महिलाएं और जन नागरिक सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे योग की क्रियाएं हैं बहुत अच्छे से। कितने वर्षों से यहाँ पंचम वर्ष दिवस है और पंचम वर्ष दिवस से ही यहाँ मंडी प्रांगण में ये कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। क्या योग के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? योग के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मन शांत रहे, एकाग्र चित्त रहे। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया, सभी ने मिलकर गांधी चौक पर एकत्रित हुए। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग बैनर तले सभी लोगों ने योग प्राणायाम करा और उन्होंने संकल्प लिया कि हम जो है नियमित योग को अपने कक्षा अपने जीवन में शामिल करेंगे और अपने देश को समृद्ध एवं सुदृढ़ बनाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बागली नगर के हृदय स्थली गांधी चौक में भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के माध्यम से योग का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस योग के कार्यक्रम में कासा मल्ली जी भाईजान ने गीता जी के श्लोक के माध्यम से हमें बहुत सी बातें हमारे धर्म के बारे में बताई। भाई असगर अली ने सूर्य नमस्कार के मंत्र यहाँ पर बोलकर ये संदेश दिया कि हमारा नगर निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम एकता का नगर है। योग के माध्यम से ध्यान को लगाया जाता है, ना कि धर्म के नाम से बांटा जाता है। योग सभी के लिए, इसका मजहब से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार हमारे नगर में अभी ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे पुरुषोत्तम जी सिसोदिया हमारे पार्षद ने कुरान की आयत बोली थी और आज इस योग के कार्यक्रम में हमारे भाई असगर अली जी ने मंत्र के माध्यम से सूर्य नमस्कार करवाया। ये हमारे लिए, हमारे नगर के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। हमारे यहाँ सभी लोग समान रूप से रहते हैं, एक धार्मिक सद्भाव।